कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे ने कहा कि MDA को आगामी 5 माह में शून्य भ्रष्टाचार वाला संस्थान घोषित कर दिया जाएगा। इसके लिए जो भी भ्रष्ट स्टाफ पकड़ में आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। 1 जनवरी 2024 को शून्य भ्रष्टाचार का बोर्ड कार्यालय के बाहर लगा दिया जाएगा। अखंड तक भ्रष्टाचार में डूबे प्राधिकरण की छवि को सुधारने की भले ही नवनियुक्त उपाध्यक्ष ने बाकायदा प्रेस वार्ता बुलाकर घोषणा कर दी हो, लेकिन अभियंता संकल्प को पलीता नहीं लगाएंगे ये कहना अभी बेहद जल्दबाजी होगी। दरअसल मेरठ विकास प्राधिकरण के बारे में ये मान्यता है कि यहाँ बिना रिश्वत कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती है। इस बीच आज शोभापुर लखवाया में संस्कृति बैंक्वेट हॉल से सटकर बनाई जा रही गार्डन सिटी होम कॉलोनी की शिकायत मंडलायुक्त से की गई है। आरोप लगाया गया है कि इस कॉलोनी का एक छोटा सा हिस्सा प्राधिकरण से स्वीकृत है, जबकि इसकी आड़ में एक बड़ा भाग कच्ची कॉलोनी के रूप में काटा जा रहा है। बिल्डर सूरज यादव, राजकिरण व राजीव अग्रवाल अवैध रूप से बनाई जा रही इस कॉलोनी को प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत बताकर लोगों को ठगने का कार्य कर रहे हैं। मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे शिकायतकर्ता आदर्श नगर निवासी पुनीत शर्मा ने मीडिया से वार्ता करते हुए यह जानकारी दी। ये जो है मैं कार्टीआई कार्यकर्ता हूँ, पुनीत शर्मा मेरा नाम है। मैं समाज सेवी भी हूँ और सरकार का मित्र भी हूँ। सरकार का जो सपना है मोदी जी का और योगी जी का, मैं उससे साकार करने के लिए आया हूँ। जो भी सरकारी विभागों में MDA में सिंचाई विभाग में और बिजली विभाग में करप्शन चल रहा है उसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठाता रहे। आज भी मैं इस चक्कर में हूँ। शोभापुर में एक कॉलोनी का दो कॉलोनी के दो ब्लॉक जो है नक्शा पास कराया, बाकी पूरी कॉलोनी अवैध है, कच्ची कॉलोनी है। उसको जो है धोखे से बेचा जा रहा है। उसके आड़ में जो है बिजली विभाग से कनेक्शन भी ले लिया, सिंचाई विभाग से पानी का भी वो ले लिया कनेक्शन, और जो है इसके अंदर जो है भ्रष्टाचार के कच्ची कॉलोनी काट रहे हैं, लोगों के जो है धोखे से बेच रहे हैं। लोग वहाँ फंस जाएंगे और उसके बाद जो कार्रवाई होगी तो वो लोगों के खिलाफ होगी जो उन्होंने खरीदा है। जो भूमि माफिया हैं वो पैसा लेके बाहर निकल जाते हैं, उनके पास कार्रवाई नहीं होती, ना ही इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ऊपर लेवल पर तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सरकार के जो अधिकारी हैं वो बहुत हद तक जो है भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन नीचे AEJ और जो जोनल अधिकारी हैं ये अब भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भूमि अरबपतियों के साथ मिलकर कर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं इनके। अभी देखो MDA की एक अनीता शर्मा पकड़ी गई थी देखिए वो लिपित, उसके बाद भी जो है ये लगातार चल रहा, लगातार शिकायत चल रही है। और ABC साहब ने ये एक लेटर दिया था कि इन्हें कनेक्शन ना दिया जाए अवैध कॉलोनियों को, ना बिजली का कनेक्शन, ना पानी के, ना किसी प्रकार के कोई कनेक्शन ना दिया, लेकिन फिर भी ये सब जो है मिली भगत से सब किए जा रहे हैं और इनके खिलाफ मैंने जो है ये शिकायत करी है और इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करी। इससे पहले किसी अधिकारी से मिले आप? इससे पहले MDA के अधिकारी से लगातार मिलता रहा हूँ, जब से VC साहब गए हुए थे बाहर उसके बाद से मुलाकात नहीं हुई है। आज उनसे मुलाकात की जाएगी इस समय भी, और जो है ये बार बार टाल देते हैं, इसकी शिकायतें पहले भी कर चुके हैं कई दफ़े, होने के बाद भी कोई नहीं हो रहा। ये सोच रहे थे VC साहब जो अब यहाँ आएंगे नहीं, वो ईमानदार आदमी हैं तो हमारा जो चल रहा है हिसाब किताब बेईमानी का वो चलता रहे, लेकिन VC साहब से हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV।